रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर, दिया मिर्ज़ा, मनीषा कोइराला, परेश रावल, ऑल इन अ फिल्म डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी, ऑल इन अ फिल्म बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय विधु विनोद चोपड़ा, ऑल इन अ फिल्म दैट इज़ अ बायोपिक ऑफ नन अदर देन संजय दत्त, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग खलनायक ऑफ आवर टाइम. नाउ दिस इज़ व्हाट आई कॉल ट्रूली अ कास्टिंग कूप. इस फिल्म का बस इतना ज़्यादा था पहले से ही क्योंकि इतने सारे स्टार्स हैं इस फिल्म में, और फिर आया इसका प्रोमो जिसने तो जैसे तहलका ही मचा दिया. संजू का प्रोमो इंटरनेट मीम्स स्पूफ्स के साथ ही ऑफलाइन भी बन गया वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ द ईयर. और आज वो दिन फाइनली आ चुका है जब संजू रिलीज हो चुकी है. संजू देखने की एक्साइटमेंट मुझ में पहले से ही थी, पर एक डर भी था कि बाकी बायोपिक्स की तरह संजय दत्त को अच्छा और राइटियस दिखाने के चक्कर में फिल्म को ज़्यादा टोन डाउन ना कर दिया गया हो, और मुझे जिस बात का डर था वो बिल्कुल नहीं हुआ. संजू बॉलीवुड की उन रेयर बायोपिक्स में से हैं जो काफ़ी हद तक ट्रूथफुल है. डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और राइटर अभिजात जोशी ने संजय दत्त के हर अच्छे बुरे पहलू को एडिक्वेटली स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया है. हाँ, कुछ जगह हो और किरदारों में फेरबदल ज़रूर किए गए हैं, पर स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि आप समझ जाओगे कि कौन सा एक्टर कौन सी रियल लाइफ कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है. स्पेशली सोनम कपूर कैरेक्टर, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कौन से एक्ट्रेस का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. मेरा दूसरा डर ये था कि जितने भी अच्छे सीन्स हैं वो तो सारे ट्रेलर में दिखा दिए गए हैं, तो फिर बचा क्या. वेल, टर्न्स आउट अ लॉट. संजू का जो नैरेटिव है वो ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है, और हालांकि ज़्यादातर ऑडियंस को संजय दत्त की लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, पर हमें ये नहीं पता कि उनकी लाइफ में आई चैलेंजेस और तकलीफ़ों का उनके निजी रिश्तों पर और फैमिली मेम्बर्स पर कितना असर पड़ा है. इस बात को डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और राइटर अभिजात जोशी बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्टिंग. वेल, रणबीर कपूर को इस साल के सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड्स तो मिलेंगे ही क्योंकि उनका ये करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है. वो पूरी तरह से संजय दत्त की लाइफ को पर्दे पर जीते हैं. यू फील द हैप्पीनेस, द सैडनेस, द एम्पैथी एंड द विक्ट्री ऑफ संजय दत्त ट्रबल्ड लाइफ एज रणबीर कपूर लिव्स थ्रू देम थ्रू डिफरेंट फेजेज ऑफ संजय दत्त लाइफ. और आप क्या जानते हैं कि हर एक फेज को शूट करने के बीच रणबीर कपूर ने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का ब्रेक लिया, और हर एक सीन शूट करने से पहले वो घंटों मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के लिए बैठते थे. ये सारी मेहनत स्क्रीन पर बखूबी उभर कर आती है. अनदर सरप्राइज पैकेज ऑफ संजू इज मनीषा कोइराला. नॉट ओनली डज शी लुक अ लॉट लाइक नरगिस दत्त बिकॉज दोनों ही इटर्नल ब्यूटीज हैं, पर ये इस बात का भी सबूत है कि एक अच्छी एक्ट्रेस को जब इतने सालों बाद भी एक सही मौका और सही डायरेक्टर मिलते हैं तो शी नॉक्स इट आउट ऑफ द पार्क. ऑफकोर्स विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन इज अ फेमिलियर सेटअप फॉर मनीषा. आपको तो याद होगा 1942 अ लव स्टोरी एक कल्ट क्लासिक है जिसमें शी नॉट ओनली लुक्स हर बेस्ट बट ऑल्सो एक्ट्स हर बेस्ट, और आज इतने सालों बाद दैट हिस्ट्री सीम्स टू हैव बीन रिपीटेड. फिल्म की बाकी एक्ट्रेसेस जैसे कि दिया मिर्ज़ा, सोनम कपूर, करिश्मा तन्ना और स्पेशली अनुष्का शर्मा आर जस्ट अबाउट ओके. इनफैक्ट अनुष्का शर्मा का जो कैरेक्टर है वो फोर्स्ड ही नहीं बट थोड़ा सा फेक भी लगता है. आई एम सॉरी बट आई थॉट शी वॉज काइंड ऑफ वेस्टेड इन द फिल्म. अनुष्का शर्मा इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस और मुझे लगता है कि शी कैन डू अ लॉट लॉट मोर. परेश रावल एज सुनील दत्त इज एग्जैक्ट एंड अंडरस्टेटेड. विकी कौशल हैज गॉट हिज एक्सप्रेशन स्पॉट ऑन, बट आई विश आई कुड से द सेम फॉर हिज गुजराती एक्सेंट. थोड़ी सी फेक लगी मुझे. वैसे बींग अ गुजराती आई शुड टेल यू वन थिंग, गुजराती एक्सेंट वैसे तो इमिटेट करने के लिए बहुत आसान लगती है, पर वैन यू एक्चुअली गेट डाउन टू डूइंग इट इट्स वेरी डिफिकल्ट. रिमेंबर अनुष्का शर्मा's एक्सेंट इन जब हैरी मेट सेजल. संजू का म्यूजिक फिल्म के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इफ़ नॉट वेरी मेमोरेबल एक्सेप्ट फॉर ऑफकोर्स हर मैदान फतेह जो एक रॉक स्टार गाना है. बाय द वे फिल्म में सिर्फ 3 गाने हैं एंड इंटरेस्टिंगली ऑल 3 हैव बीन कंपोज बाय 3 डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स, वन ऑफ देम बींग नन अदर देन AR रहमान. एट 161 मिनट्स संजू इज लॉन्ग बट नॉट बोरिंग. इनफैक्ट राजकुमार हिरानी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वही इस फिल्म के एडिटर भी हैं, एंड ही मेक श्योर के बाबा की लाइफ के हर एक इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को अपनी डिजर्विंग स्क्रीन टाइम मिले. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द वर्क बाय मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ एंड प्रोस्थेटिक्स आर्टिस्ट सुरेश मूर्ति. इन दोनों ने रणबीर कपूर को संजय दत्त और मनीषा कोइराला को नरगिस दत्त बना दिया, जिससे कि दोनों ने दे फेल्ट द पार्ट दैट दे हैड टू इनएक्ट. डायरेक्टर राजकुमार हिरानी पिछले 15 सालों से फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं, और इन 15 सालों में उन्होंने सिर्फ 4 फिल्में डायरेक्ट की हैं, सारी ब्लॉकबस्टर्स. संजू उनकी 5वीं फिल्म है. उनकी एक खासियत है, वो चाहे किसी भी जॉनर की फिल्म डायरेक्ट करे, सोशल कॉमेडी,
ड्रामा, पर वो एंटरटेनमेंट फैक्टर को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते, कभी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एंड संजू इज़ नो एक्सेप्शन. आई एम गोइंग विद 4 स्टार्स फॉर संजू.